आप देख रहे हैं मोल तोल इंडिया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम घोषित हुआ, दुनिया भर की करेंसी धड़ाम से नीचे आ गई। अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, सोना चांदी एनर्जी मेटल्स टूट गए। क्या वाकई ट्रंप की जीत ने कड़वा किया कमोडिटी बाजार का टेस्ट? यह हम जानेंगे अजय केडिया जी से, जो केडिया कमोडिटीज के प्रमुख हैं। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी आपका स्वागत है। जी बहुत नमस्ते अजय जी। अजय जी, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कमोडिटी मार्केट्स को बड़ा धक्का लगा, जिसकी वजह से चौतरफा गिरावट आई? नमस्कार कमल जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री से कमोडिटी को धक्का लगा। देखिए, एक कॉमन चीज है, आज अगर हम सोने चांदी से पहले बात करते हैं तो सोने और चांदी में आप समझिए पिछले 3 महीने से, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जबरदस्त तेजी बनी थी। तो पहला चीज था, हाँ, प्रॉफिट बुकिंग बनता था। आज अगर मैं अगस्त का लो देखता हूँ इंटरनेट डोमेस्टिक मार्केट में, तो गोल्ड का भाव था 67,500। 67,500 वाला लगभग 80,000 का लेवल चले गया था, तो करेक्शन वैसे ही बनता था। चांदी भी अगर मैं देखूँ तो अगस्त 7 तारीख को लो था 79,000 का और वो 1 लाख आ गई। तो करीबन मुझे लगता है कि जो ये तेजी बनी थी काफी, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग लग रहा था। सेकंड था, डोनाल्ड ट्रंप ने डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट के लिए भी कहा था कि हम एग्रेसिव रेट कट हमें नहीं करना चाहिए। और मैंने भी पहले बताया भी था कि नवंबर की जो रेट कट होगी वो 0.5 की नहीं होगी, 0.25 की होगी। रेट कट जनरली सोने चांदी के लिए सपोर्टिव होता है, बट अब 0.5 की जगह 0.25 का रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के रिज्यूम में आगे जाके आप देख लेना कि रेट कट जो एग्रेसिवली सोच रहे थे उस पे विराम या फिर पॉज लग सकता है, जिसके चलते भी मार्केट में गिरावट आई है। तो आई थिंक ये डॉलर इंडेक्स की तेजी की वजह से हमने पूरे काउंटर में देखा है। बट आप कच्चे तेल को देख लीजिए, नीचे गिरावट लेने के बाद मार्केट उठ गया। बेस मेटल में कल एक बार फॉल था अनसर्टेनिटी चाइना को लेकर, बट आज आप देखोगे 2-2 टके की तेजी कॉपर और जिंक में वापस बंदी है। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है, हाँ, सोने चांदी में करेक्शन था, वो इनलाइन था। मैं पहले भी 15 दिन से बता भी रहा था करेक्शन आएगा, वो आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की आने की वजह से कमोडिटी गिर गई, हाँ, डॉलर में तेजी और एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। जी, तो अजय जी आपने कहा कि बाजार संभलेंगे, तो सोना चांदी बाजार के किस लेवल पर संभलने की उम्मीद की जा सकती है, या अभी भी सेल ऑन राइज की रणनीति चलानी चाहिए किसी ट्रेडर को? देखिए, जब हम ट्रेडर की बात करते हैं तो मुझे लगता है वो 1 या 2 दिन का व्यू लेके चल रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट में जो ये गिरावट का रुख है, ये ऐसा नहीं कि 1 दिन में रुक जाए, 2 दिन में रुक जाए। वैसे भी हम ईयर एंड पे जा रहे हैं और जनरली आप सीजनलिटी उठा के देख लो, पिछले 10 साल का नवंबर और दिसंबर में जनरली प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। फिजिकल डिमांड है, 48 लाख शादी है, ये सब कहानी बाद में चलेगी। बट टाइमिंग मुझे लगता है ये गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। डॉलर टर्म्स में अगर बात करें तो मुझे लगता है 2580 से $2600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि 2600-2620 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में इस वक्त 31-12-15 के आसपास भाव चल रहा है। मुझे लगता है $30 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो वापस हम रिकवर करते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से 85 के ऊपर आ चुका है। इसलिए चांदी में लगभग 10,000 रुपए की मोटा मोटी करेक्शन देख चुके हैं। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि 74,500 से 75,000, और चांदी में मुझे लगता है 88,000-88,500 का सपोर्ट मिलेगा। हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट कम है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। उसका सबसे बड़ा कारण है रुपया, जो 84 पे रुपया चल रहा था वो अब 84.40 के करीब पहुंच चुका है। तो मार्केट में थोड़ा टाइमिंग गिरावट है, अगला हफ्ता 15 दिन मार्केट नेगेटिव रहेगा, साइडवे रहेगा। जी, मोल तोल इंडिया ने बीते सोमवार को आपके साथ शो किया था, और उसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि सोने में अपने नुकसान को पुट ऑप्शन की रणनीति से बचा सकते हैं। अब एक ट्रेडर क्या करे कि वह कल की तबाही की भरपाई कर सके? मुझे लगता है कि जो कल की तबाही है उसमें पैसे अच्छे बने होंगे जिन्होंने भी ऑप्शन किए थे। मैंने आपको 3 स्ट्रेटेजीज बताई थी, जहां पे मैंने बोला अगर आप फिजिकल में बाय है तो उसके अगेंस्ट आप पुट ले लीजिए, सो डेट अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो पुट में पैसा बनेगा। और जिस ढंग से सोने में हमने लगभग हायर लेवल से अगर हम बात करें तो अच्छी खासी, कल तो हमने 75,500 तक का भी एक लो देखा था, तो 3,000 पॉइंट की गिरावट देखी है। मुझे लगता है अभी भी गिरावट जारी है। हाँ, ये गिरावट देखिए, लोएस्ट पॉइंट कभी किसी को नहीं मिलना है। तो अब तक मैं, हाँ, अभी भी आप पुट लेके रखिए, हेजिंग करके चलिए, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है कि सोने में 1,000-1,500 पॉइंट का तो मिनिमम गिरावट मिल सकती है। बट कमल जी, ये एक अच्छा तरीका है कि अगर आपको सोना आपके चाहे भाव में लेना है, मुझे 74,000 में अगर मुझे गोल्ड लेना है तो आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप 74,000 का पुट बेच दीजिए। पुट बेचना मतलब होता है तेजी करना।
तो मैं तेजी तो करूंगा, लेकिन मेरी तेजी में करेक्ट एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि मुझे सोना मेरे भाव पे मिलना चाहिए, और वो भाव क्या है मेरा 74,000। तो 74,000 का पुट 174 रुपीज का है। अगर आप इसको बेचते हैं तो मार्केट में तीन कंडीशन, तेजी, मंदी, रेंज बाउंड। अगर मार्केट रेंज बाउंड हुआ तब भी 174 मिल जाएगा, तेजी हो गई तब भी 174 मिल जाएगा, और मार्केट में गिरावट आ गई तो आपके सोचे हुए भाव पे, आप जो भाव सोच रहे हो कि 74 में मुझे डिलीवरी मिले वहां पे मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि 74,000 का पुट बेच के चलिए अगर आपको लॉन्ग टर्म बाइंग कैप्चर करना है। और हाँ, अगले 2-3 दिन मुझे लगता है आज रात को 12 साढ़े 12 बजे फेड से इंटरेस्ट रेट और फ्रेड का प्रोजेक्शन आने वाला है, चाइना से भी कल तक हम प्रोजेक्शंस देखेंगे स्टिमुलस को लेकर। ये दोनों टर्म में मुझे लगता है सोने और चांदी दोनों में और गिरावट बढ़ सकती है, बट ध्यान रखिए वॉलिटिटी एक्सट्रीम होने जा रही है अब। जी अजय जी, वैसे अगर देखें तो ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने में लगभग 2 महीने का भी समय बाकी रहेगा, और फेड की मीटिंग आज है ही, जिसके नतीजे उम्मीद के अनुसार भी शायद आए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम ये कह लें तो सोने चांदी में जब तक ट्रंप सत्ता नहीं संभालते हैं, तब तक के समय में, यानी 2 महीने के पीरियड में, आपको किस तरह की स्थिति दिखाई देती है? देखिए ओवरऑल बुलियन में मैं बुलिश हूँ, मार्च अप्रैल मई जून तक देखेंगे तो जो 3,000 का लेवल है वो भी दिखेगा, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पहले हम नवंबर दिसंबर की बात करें तो 10-12 दिसंबर तक मुझे लगता है मार्केट नेगेटिव रहेगा, साइडवे रहेगा, एक बड़ी गिरावट के बाद ठहराव आ जाएगा। जैसे 87 से 90 के बीच में चांदी या सोना 74-75 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, उस कंसोलिडेशन के बाद जनवरी से मार्केट फिर से तेजी पकड़ सकता है। बट मुझे लगता है कि अगला महीना 1.5 महीना तो मार्केट साइडवे टू नेगेटिव है। जैसे जैसे हम जनवरी की तरफ बढ़ेंगे तब मार्केट फिर से रिकवरी करेगा। उसका मेजर कारण जो इस बार फोकस रहेगा वो चाइना रहेगा, क्योंकि चाइना ताइवान में कंसर्न मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में बढ़ेगा, वो अगेन एक बड़ा फैक्टर रहेगा। काफी फैक्टर चेंज होंगे बट मुझे टाइमिंग मार्केट साइडवे टू नेगेटिव दिखता है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, जो भी हमने कमोडिटी की बात की है, डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। जी, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पर अपने कमेंट जरूर करें। शुक्रिया अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।